हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने स्वीडियो 5 रुपीज के कॉम्युनिटिव कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन से कंडीशन में ज़्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबको स्क्रीन पर एक कॉइन दिखाई दे रहा है 5 रुपीज़ का, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का कॉइन है। इस कॉइन की अगर हम बात करते तो इस कॉइन की जो मिंटेज होती है 2004 में हुई थी और कॉइन का जो मेटल होता है कॉपर निकल होता है। तो इस कॉइन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 9 ग्राम्स तक होता है। इस कॉइन को अगर आप देखेंगे तो ऑबवियस साइड में आपको अशोका लाइन कैपिटल कॉइन की जो डिनोमिनेशन होती है वो, और कॉइन के रिवर्स साइड में आएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी का पोर्ट्रेट मिलेगा आपको। दोस्तों, एक कॉम्युनिटिव कॉइन है। इस कॉइन की अगर शेप की बात कर रहे हैं तो इस कॉइन का जो शेप होता है सर्कुलर होता है। कॉइन का साइज है, जो कॉइन का डायमीटर होता है वो 23 mm तक होता है। दोस्तों, इस कॉइन की जो मिंटेज होती है, यानी कॉइन जो बना था सिर्फ कोलकाता मिंट ने बनाया था। अब बहुत मेन चीज़ आती है इसकी वैल्यू। हमारे पास बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमें मेल किया है सर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे कहाँ सेल करें हम लोग। दोस्तों, अगर इस कॉइन की वैल्यू की बात की जाए तो ये एक नॉर्मल सर्कुलेटिंग कॉम्युनिटिव कॉइन था। इस कॉइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप एक कलेक्टर हैं तो आपके लिए इसकी वैल्यू होगी। अगर आपके कलेक्शन में ये कॉइन नहीं है तो, अगर आपके पास ये कॉइन है तो अगर आप खरीदना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए, तो मैक्सिमम आपको किसी भी डीलर के पास 10 से 15 रुपए में पर पीस मिल जाएगा, ये यूज कंडीशन या फाइन कंडीशन में। लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन में ढूंढेंगे, एक तो पुराना सिक्का है, यूएनसी कंडीशन में प्रिजर्व हो पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही कम कॉइन प्रिजर्व हुए होती है यूएनसी कंडीशन में। अगर आपको यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। अब डिपेंड करता है डीलर कौन से रेट पर देता है, क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे ढूंढने के लिए कॉइन या किसी डीलर के पास जाएंगे लेने के लिए, तो अपना अपना वैल्यू सबके पास अलग अलग होता है। तो मैक्सिमम 60 से 70 रुपये पर पीस पर ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में मिल जाना चाहिए, अप्रॉक्स प्राइस है। हो सकता है इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, ये इससे थोड़ी सी कम हो। दोस्तों, आप बात करते हैं अगर आपके पास कोई और भी पुराने सिक्के हैं, नोट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता करनी है, जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉइन होते हैं, पुराने सिक्के और नोट हैं, और उनको उसकी वैल्यू सही वैल्यू नहीं पता चल पाती है। तब उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अपने कॉइन्स की इमेजेस सेंड किया करें, क्योंकि जीमेल पर वो चीज़ें आ नहीं पाती हैं और सही से ओपन नहीं हो पाती, ब्लर हो जाती हैं। इंस्टाग्राम पे ये होता है कि सारी चीज़ें तुरंत हमें मिल जाती हैं, तो हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करना पॉसिबल होता है। दोस्तों, आप बात करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारी वीडियो पहली बार देखो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को दबा दें बेल बटन, जिससे कि हमारे वीडियो आने वाले सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप एक कलेक्टर हैं, आपको अपने कलेक्शन के लिए कोई कॉइन या नोट चाहिए, तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।